नमस्कार दोस्तों जय श्री राम आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसा दिव्य चमत्कारिक के बारे में बताऊंगा जो मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है ये पेड़ पौधे मानव जाति के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है दोस्तों अधिकांश वैद्य अपने ज्ञान को सीमित रखा है दोस्तों वैद्य लोग चाहते हैं कि उनके ज्ञान किसी और को प्राप्त न हो दोस्तों क्योंकि वह ज्ञान उनका रोजी रोटी का साधन होता है और इन्हीं लालच के चलते समाज में आयुर्वेद का सही ज्ञान समाप्त होने के कगार पर हैं दोस्तों प्राचीन ज्ञान चैनल का अथक प्रयास चल रहा है दोस्तों समाज में आयुर्वेद की जानकारी को बचाना है लोगों को आयुर्वेद से रूबारूब रूबारूब कराना है हमारा मकसद है दोस्तों समाज में पेड़ पौधे एवं आयुर्वेद का धरोहर समाप्त न हो और ये पेड़ पौधे की जानकारी भारत भूमि के हर हिस्से पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पहुंचे दोस्तों आज जिस पौधा के बारे में बताऊंगा ये पौधा बहुत चमत्कारिक साबित हुआ है और इसके प्रयोग हमने अपने जीवन में कई लोगों को कराए हैं दोस्तों आज आप लोगों को जिस पौधा के बारे में बताऊंगा दोस्तों ये आयुर्वेद का खजाना भी कहा जाता है दोस्तों इस पौधा का तांत्रिक धार्मिक एवं आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा दोस्तों और ये पौधा आयुर्वेद के खजाना का भंडार है दोस्तों हमारे चैनल में अथक प्रयास चल कि आयुर्वेद का जो ये ज्ञान है ये भारत भूमि के आम जनता तक पहुंचे भारत भूमि के जन जन तक पहुंचे और ये आयुर्वेद की जानकारी समाप्त न हो दोस्तों मैं जिस पौधा के बारे में बताऊंगा दोस्तों उस पौधा का नाम है लज्जू जिसे आप लोग लाजवंती के नाम से या छुई मुई के नाम से जानते हैं दोस्तों इस पौधे के खास बात ये पौधा बहुत शर्मिला होता है इस पौधा को छूने से ये पौधा जाता है, मुरझा जाता है और इस पौधे को देख करके आप भली भांति पहचान सकते हैं हमारे वीडियो में देख लीजिए ये पौधे इस प्रकार से होते हैं दोस्तों इस पौधे को बहुत से लोग अपने घर में सजावट के लिए भी लगाते हैं अपने घर की खूबसूरती को भी बढ़ाने के लिए गमले में लगा करके रखते हैं तो दोस्तों इस पौधा को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है कमेंट में जरूर बताना और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तों सावन का महीना चरे सावन के महीने भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है एक खास बात दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार के दिव्य ज्ञान को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल में इस प्रकार के आयुर्वेद एवं दिव्य पेड़ पौधे की अलौकिक जानकारी को फ्री में सिखाते हैं हमारा एक ही प्रयास है कि लोगों को पेड़ पौधे आयुर्वेदिक की जानकारी प्राप्त हो ताकि भारत भूमि से पेड़ पौधे एवं आयुर्वेद की जानकारी जो है समाप्त न हो क्योंकि दोस्तों वैध लोग पैसा कमाने के चक्कर में इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी को सीमित करके रखा है दोस्तों उन्हें डर रहता है कि अगर आप आयुर्वेद की, की जानकारी को सीख जाएं तो उनके रोजी-रोटी में काफी इफेक्टा पड़ेगा हमारा मकसद है दोस्तों समाज में सभी लोगों को सभी जानकारी प्राप्त हो ताकि आने वाले समय में आप मेडिसिन दवा से बचें उनके होने वाले दुष्प्रभाव से बच सके और आपके थोड़े-थोड़े प्रयास दोस्तों इस समाज में काफी हेल्पफुल साबित होगा और धीरे-धीरे मेडिसिन जो दवा है जिससे लोगों को बहुत बुरा असर होता है ये धीरे-धीरे समाप्तता -धीरे होगा तो आइए दोस्तों इस पौधे की सर्वप्रथम धार्मिक प्रयोग को सीखते हैं इससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते तो हमारे मेहनत सार्थक होती है हमारे जो वीडियो बनाने का जो एक हम आप लोगों के लिए समय निकालते हैं वो सार्थक होता है और दोस्तों अगर आपको भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो कॉमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी दोस्तों एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि ये आप सभी दर्शकों का परिवार है आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे विवर्श नहीं बल्कि आप सब परिवार के हिस्से इनके धार्मिक को सर्वप्रथम सीखते हैं तो दोस्तों ये पौधा घर में लगाने से तंत्र बाधा को अपनी अंदर खींच करके स्वयं नष्ट कर लेता है अर्थात दोस्तों आपने देखोगा कई ऐसे घर होते हैं जिस पर बुरी नजर लगती है तो आप चाहते हैं कि आपके घर पे किसी का बुरी नजर ना लगे किसी के जो खराब नजर है बुरी नजर है हाय है बदुआ है इससे आपके घर बच्चे रहें। तो इस पौधे को घर में लगाने से इस पौधे में इतनी औवरा होती है इतनी समर्थ शक्तियां होती हैं कि दूसरों की बुरी नज़र को अपने अंदर में खींच लेता आप आपके घर में लगे बुरी नजर को खींच लेता और ये पौधा धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाते हैं जब ये पौधा आप अपने घर में गमले में लगाते हैं और ये पौधा अचानक से सूखना शुरू हो जाए तो समझ जाना दोस्तों आपके घर में बुरी नजर लगी है और ये बुरी नजर को ये पौधे अपने अंदर में खींच करके स्वयं नष्ट हो जाता है ये सूख जाता है ये इनके लक्षण है दूसरा इसके धार्मिक फायदे हैं कि दोस्तों ये घर में आपके वास्तु दोष को भी दुर्भगाता है बुरी नजर से बचाता है और घर में आपके किसी को भी कंठ रोग संबंधी बीमारी को नहीं होने देता कंठ रोग संबंधी एक देवी शक्ति होती है जो कि तेजी से फलती जिसमें महामारी भी बोल सकते हैं इससे आपको आपके घर को सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों हमारे एक चित परिचित के संत महात्मा हैं जो कि वैद्य भी हैं तो इसके जड़ को खांसी आने पर ताबीज में डाल करके पहनाते हैं सभी प्रकार की खांसी इसके धारण करने से समाप्त हो जाते हैं और दोस्तों खांसी ही टीबी का लक्षण है कैंसर का लक्षण है अगर किसी भाई बंधु को लंबे समय से खांसी आ रही है ये फिर खांसी की समस्या है तो एक काम जरूर करना जो ये लाज बनती है इसके जड़ को इसके जड़ को लाल कलर के कपड़े में बांध करके दोस्तों आप जो है रविवार के दिन धारण कर लेना लेकिन एक काम जरूर करना शनिवार के दिन इसके पौधे को चाहे आपके घर में हो चाहे बाहर में उसके

और आपको आत्म सुरक्षा प्राप्त हुई है फिर दोस्तों आप ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारे ऊपर में किसी का हाय लग जाती है बदुआ लग जाती है बुरी नजर लग जाती है इन सबसे बचना चाहते हैं हम वैद जो है दोस्तों तांत्रिकों के पास में जाते हैं न जाने हम कितने लोगों के पास में जा करके भटकते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको आत्म सुरक्षा प्राप्त हो तो शरीर से सात बार मौली धागा को शरीर से आपको अपने आकार के बराबर मौली धागा लेना है और सात बार आपको अपने शरीर से इसको वारना है अर्थात इनकी उतारा करना जाकर के इस पौधे पर बांध देना दोस्तों आपके ऊपर में लगने वाली जो बुरी नजर है हाय में सबको ये अपने अंदर में खींच लेगा लेकिन मौली धागे आपको अपने आकार के बराबर लेनी है और इसे जाकर के सात बार आपको अपने शरीर से उतारा करने के बाद इस पर बांधनी है दोस्तों पेड़ पौधे में बहुत अलौकिक शक्तियां होती है देवी शक्तियां होती हैं लेकिन हम सब ज्ञान के अभाव में इनके मिलने वाले फायदा को दोस्तों हम समझ नहीं

पैसे को आप बचा सकते हैं और एक खास बात आपको कम समय में ये पेड़ पौधे अत्यधिक लाभ देते हैं पेड़ पौधे प्रकृति का ही स्वरूप हैं हमें पेड़ पौधे को बचाना जरूरी है और इनके आयुर्वेदिक लाभ को सीखना जरूरी है दोस्तों इनका किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता इसके बाद दोस्तों हमारे आ, कहा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे पेड़ पौधे की जानकारी मिलते हैं जिसको घर में लगाने से धन की बरकत होती है और दोस्तों वनस्पति शास्त्रों में भी ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताए हैं जिनको घर में लगाने से धन आकर्षित होता है धन की देवी माता लक्ष्मी खींची चली आती है और ये बात बिल्कुल ही सत्य है बहुत से लोग अपने घर में मनी प्लांट के पौधा लगाते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप जो है मनी प्लांट के पौधा के बजाय इस पौधा को जोड़े के रूप में लगाते हैं अर्थात दोस्तों जो ये लाजवंती के पौधा है आप घर में धन की बरकत करना चाहते हैं तो इसके पौधे को आप अपने घर में लगाइए और इस इसके दो पौधे एक साथ घर में लगाना होता है इसके दो पौधे को एक साथ होना शुरू हो जाएंगे। आपके दिन दुगनी, तरक्की होगा। आपके घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो चुका है इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से आपको एक समय आते तक पूर्ण रूप से लाभ मिल जाएंगे अब इसका आयुर्वेदिक प्रयोग सिखा रू यह प्रयोग किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना यह जान आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी कोई नहीं बताएगा हमारा दोस्तों अथक प्रयास हैं। आप लोगों को आयुर्वेद को सिखाना पेड़ पौधे की जानकारी एवं धार्मिक पैरों को सिखाना ताकि आप इन पेड़ पौधे की जानकारी को सीख करके अपने पैसे को बर्बाद होने से बचा सके लोगों को इनके लाभ को बता सके और दोस्तों इन पेड़ पौधे से आप स्वयं लाभ ले सके तो दोस्तों अगर किसी भाई बहनों का दस्त के साथ में खून निकलता है और ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या अगर दस्त के साथ में खून निकलना शुरू हो जाए तो कभी कभी ऐसा होता है ये डाक्टरी दवा से भी जल्दी ठीक नहीं हो पाता आप डाक्टरी दवा कीजिए उनके साथ में भी एक उपाय जरूर करना इसका लाभ बहुत तेजी से आपको मिलेंगे बहुत जल्दी मिलेंगे तो दस्ता के साथ अगर खून निकलता है तो एक थोड़ा सा गंभीर समस्या हो जाती है तो दोस्तों तीन ग्राम लाजवंती के जड़ के चूर्ण को तीन ग्राम लाजवंती के अर्थात इसके जड़ के चूर्ण को दही के साथ में खिलाना होता है केवल दो बार केवल दिन में एक सुबह और एक शाम के समय दो बार खिलाना होता है अच्छी तरह से मिलाकर के कैसा भी दोस्तों दस्तक के साथ खून निकालो वह बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं और मैं ये सारी जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन जानकारी को सीखें बाद में इनका लाभ ले सकें और बाद में मत बोलना कि गुरुजी हमें ये समस्या होती है आप उपाय बताइए सारे जानकारी को पेन कॉपी में नोट करके रखें बहुत ही लाभ मिलेंगी इस प्रकार के वीडियो यूट्यूब में मिलना बहुत ही दुर्लभ है और सही जानकारी अभी के समय में मिलना दोस्तों बहुत ही दुर्लभ है लोग पैसे में जानकारी को साझा करते हैं हमारे चैनल में आप लोगों को फ्री में जानकारी सिखाते हैं ताकि समाज में इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो इसके बाद है दोस्तों इसका और प्रयोग सुनिए ग्लैंड में सूजन के लिए ग्लैंड में जो सूजन होता है गले में जो सूजन होते बहुत ही गंभीर समस्या होती हैं और यह भी आगे चल करके दोस्तों आपके मौत का भी मृत्यु का कारण बन सकते हैं जब इस प्रकार की बीमारी हो तो डांटरी दवा कीजिए डाकड़ी दवा के साथ साथ इस पेड़ पौधे के भी प्रयोग करना सीख जाइए बहुत ही आपको लाभ मिलेंगे तो दोस्तों कैसा लाभ मिलेंगे दस एम इसके पत्ते के रस को दस एम

आज नहीं तो कल आपको आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं इसके बाद बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिन्हें पीलिया अपच जैसे भयंकर बीमारी हो जाती है अभी के जनरेशन में देखा जाए तो अपच आम समस्या है और अगर किसी को बुखार आए लंबे समय से बुखार हो जाते तो इनके कारण पांडु जिसे हम पीलिया के रोग बोलते हैं तो दोस्तों जो पीलिया के रोग हैं पांडू के रोग हैं इसे भी छुटकारा पाने के लिए पांच एम इसके रस को पिलाना होता है अगर आपके घर परिवार में किसी को पीलिया की बीमारी है तो एक काम जरूर करना दोस्तों पांच एम इसके रस को केवल पांच दिन तक पिलाइए पीलिया की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाते हैं और दोस्तों एक मैं और इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूं पीलिया के बारे में कि उतरन नाम की एक बेल होती है जिसको रविवार के दिन रविवार बुधवार के दिन केवल तीन बार नहलाना होता है नहाने के पानी में डाल करके दोस्तों आपको इसे नहलाना होता है तो कैसा भी पीला की जो बीमारी हुआ धीरे धीरे उतर जाते हैं ठीक हो जाते हैं कभी भी इसके बारे में एक मैं और वीडियो बना दूंगा इसके बाद दोस्तों जैसे कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि आ, हमें कमेंट करते हैं कि गुरु जी बिच्छू अगर काट ले तो हम क्या करें क्योंकि अभी बरसात का समय चल बरसात के समय में बिच्छू किसी को डंग मारना ये बहुत ही आम समस्या है तो अगर किसी को बिच्छू डंग मार ले तो इसके पत्ते और इसके तने ये दोनों को इसके पत्ते इसके तने और इसके जड़ ये तीनों को पीस करके एक लुगदी बना लीजिए आप एक पेस्ट जैसा तैयार कर लीजिए और इसके पेस्ट को जहां पे बिच्छू ने डंक मारा हो वहां पे बांध दिए पंद्रह से बीस मिनट में आराम मिलना शुरू हो जाते हैं और बिच्छू के जहर जड़ से समाप्त हो जाते हैं अगर बिच्छू बहुत ही पुराना हो जहरीला हो तो दोस्तों काम करना इसके जड़ का पेस्ट दो बार बांध देना बहुत ही आराम मिलेंगे बिच्छू के जहर को ये खींच लेते हैं इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो कि घाव से परेशान रहती है जैसे कि ऐसे कभी कभी शुगर के पेशेंट को देखना उनके शरीर पे घाव हो जाती है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता तो इसके बीज के चूनक को पीस करके घाव पर लगाने से चोट पर लगाने से जो घाव होती है वह जल्दी ठीक होती है घाव में जल्दी राहत मिलती है अब सुनिए दोस्तों शुगर की बीमारी किस प्रकार से इससे आप ठीक करें शुगर की बीमारी ऐसी गंभीर समस्या है जो जो कि अभी के समय में लोगों पर तेजी से फैल रहा है तेजी से देखने को मिलता है और अभी के जनरेशन में देखा अभी के जनरेशन में देखा तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुकी हैं तो शुगर के जिससे कि टाइप वन टाइप टू ये दोनों प्रकार के शुगर है इनकी रामबाण दवा है तो ऐसा माना जाता है कि नीम की गुठली बेल का पत्रा और इसके पत्ते और जड़ का चूर्ण फिर से सुनिए नीम की गुठली बेल पत्रा इसके पत्ते और इसके जड़ का चूर्ण ये चारों को मिला करके आपको एक पाउडर तैयार करना है और इसके पाउडर को सुबह शाम खाली पेट में दोस्तों एक चम्मच आपको पीना है एक चम्मच डाल करके आपको गुनगुने जल के साथ में पीना है कैसा भी शुगर की बीमारी हो अब अभी शुगर की आप जो दोस्तों टेस्ट करा लीजिए कितना भी आपके शुगर के लेवल बढ़ा है और इसके बाद इस दवा को तीन महीने तक पीजिए आपकी शुगर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएंगे आयुर्वेद दवा में थोड़ा सा टाइम लगता है आप डाक्टरी दवा कीजिए उनके साथ में भी यह को अपना सकते हैं धीरे धीरे आपको लाभ मिलेंगे अब की सुगर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएंगे जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के पहले भी बताया था कि मैं इनके आयुर्वेदिक लाभ सिखाऊंगा इनके तांत्रिक एवं धार्मिक प्रयोग सिखाऊंगा अब इनके तांत्रिक प्रयोग जान लेते हैं तो दोस्तों ऐसा माना जाता है इसके जड़ पहनने से सम्मोहन शक्ति का विकास होता है लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और ये और का भी विकास करता है और का मतलब होता है एक ऊर्जा तो इसके जड़ को पहनने से एक अतिरिक्त ऊर्जा का निर्माण आपके शरीर में होने लगता है दोस्तों आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि कोई देवी शक्ति आपके विकास के मार्ग को बढ़ा रहा है और दोस्तों आपके उन्नति में भी इनके जड़ को पहनने से देवी शक्ति सहायक होती है मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूं कि हर एक पेड़ पौधा का अपना अलग विशेष महत्व होता है जिस प्रकार दोस्तों हम सब अपने घर में तुलसी के लगाते हैं बेल के वृक्ष लगाते हैं आंवला के वृक्ष लगाते हैं और हम सभी इनकी पूजा भी करते हैं इनके जड़ को भी धारण करते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हर एक पेड़ पौधा वनस्पति का अपना अलग महत्व होता है दोस्तों उसी प्रकार ये लाजवंती नाम के पौधा है इनका अपना एक अलग महत्व होता है अपना एक अलग शक्ति होता है तो दोस्तों आप भी आयुर्वेद को अपनाइए पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी की जानकारी को सीखिए हमारे चैनल में आज से फिर से पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी की जानकारी आप लोगों को सिखाए जाएंगे और दोस्तों अगर आपको वास्तव में पेड़ पौधे की जानकारी को सीखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना गुरुजी जी हाँ हमें पेड़ पौधे की जानकारी को सीखना है तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना इससे आगे जरूर शेयर करना दोस्तों आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है अब दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है तो दोस्तों मैं जल्द जुड़ूंगा आप सभी से किसी न और एक अच्छे नए जानकारी के साथ आज की जानकारी बस इतना ही वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार